आता सीखो। दोस्तों हम संगम नहर के लिए जा रहे थे, तो इस रास्ते में हमें ये दुमू वाला सांप जिसे बोलते हैं, ये इसका दुमू नहीं होता, मुंह एक ही होता है, रेड सैंड बोवा इसका अंग्रेजी नाम है, इसे हमने रास्ते में से बाजू करके लिया है। अभी इसको छोड़ने वाले हैं, पूरी जानकारी देते हैं। इसे हिंदी में दुमू वाला सांप बोलते हैं और अंग्रेजी में रेड सैंड बोवा, मराठी में मांडवा सांप या मांडवा सांप बोलते हैं। तो लोगों का ऐसा कुछ इसके बारे में कुछ गलत फहमियाँ होती कि इसके दुमू होते, लेकिन मैं आपको पास आपको बताता हूँ, इसका मुँह जो है ये इसका मुँह है, ये इसकी पूँछ है। कुछ दिखने में ऐसी लग रही है कि इसको किसने मारा है या इसको चोट पहुंची है, लेकिन इसको चोट नहीं पहुंची है, ये खुद इसकी डिज़ाइन ही ऐसी है। तो ये इसका सिर है, ये इसकी पूँछ है, और जब दूर से लोग देखते हैं, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये दोनों ही एक जैसे हैं और दोनों ही सिर है, ऐसा लगता है। इस वजह से लोग गलती कर जाते हैं और गलत फहमियाँ बढ़ जाती है। और दूसरी गलत फहमी एक ऐसी है कि अगर ये किसी के शरीर पर से जाता है तो वो जगह सड़ जाती है, या किसी के शरीर पर काटता है तो भी जख्म सड़ जाती है, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीसरी बात ऐसी कि लोग इसकी तस्करी करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि 2 किलो का चाहिए, 4 किलो का चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। ये बेचना, खुद के पास रखना, कौन सा भी आपको मारना या खुद के पास रखना, ये कानूनन जुर्म है। इसके लिए हमें सजा हो सकती है, कानूनन सजा हो सकती है। तो तुरंत हमें हम आदमी को इसे पास वाले खेत में छोड़ देते हैं। दोस्तों अभी मैंने खुद इसे यहाँ पे छोड़ दिया है। मैं आपको इसका पास से एक लुक दिखाता हूँ कि इसका मुँह किस तरीके से दिखता है और बाकी शरीर भी किस तरीके से है। आपको थोड़ी सी इसकी झलक दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारा सा इसका सिर है, आप देख सकते हो, ये इसका आग दिखाई दे रहा है और बाकी की ये शरीर की डिज़ाइन है। ये आपको मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मांडवा सांप कैसा होता है। और बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है ये, लेकिन इसे लोग मारते हैं और पकड़ना भी आसान होता है, इसलिए इसको बंद करके रखते हैं। लोगों को लगता है कि ये सांप मिट्टी खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सांप मिट्टी नहीं खाता, सांप चूहे खाता है, बाकी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है। तो ये चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा, हम खुद ही पीछे पीछे जाते हैं। और आपको दूसरा एक नज़ारा फिर से दिखाते हैं कि हम रोड के पास है, यहाँ से इस बाजू के रोड से हमने इसे पकड़ा है और अभी हम संगम नहर के लिए जाने वाले हैं, तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं और हम चले जाते हैं। आप देख सकते हो फिर से कि इसकी लंबाई कितनी है, ये सभी इसमें दिखाई देता है। चलो अभी जाते हैं। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले वहाँ पे यही सांप छोड़ा था, लेकिन बाकी सभी लोगों का कहना था कि इसे दूर छोड़ दो, फिर से रोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम नज़दीक जंगल के नज़दीक आ चुके हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। कैमरा लाओ, इसके पास लेते हैं। बहुत ही शर्मिला सांप है। चलो आप इसको जो है इसे इस जगह पे छोड़ देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं और आप नज़ारा देख सकते हो, बाकी सभी जंगल है, इस जंगल में ये चला जाएगा। इसके लिए अच्छी जगह है, फिर से देख लो, इसने इसकी जगह नहीं खिलाई है। चलो